हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सचिन की वीडियोस। आज की वीडियो में बात करने वाले होंडा NX 500 जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। देख सकते हैं, अगर ये कलर की बात करूँ तो ये कलर है मैट गन पावर ब्लैक मेटालिक कलर, बहुत ही काफ़ी बढ़िया कलर लगता है। देख सकते हैं, अगर इसकी प्राइस की बात करेंगे, प्राइस इसमें आता है 5,90,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है। अगर ऑन रोड में जाओगे तो 7 लाख प्लस आपको ऑन रोड में आने वाली है। ये ऑफ रोड के लिए आपके बहुत ही काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन बहुत ही काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो लेंथ आता है 2165 mm का, विड्थ आती है 829 mm की, हाइट आती है 1413 की, एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस आता है 181 mm का, बहुत ही काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर वेट बात करेंगे ना, 196 kg का वेट है, मीन 196 kg का आपको वेट मिलता है, बहुत ही काफ़ी बढ़िया आपको कार दिखने को मिलती है। यहाँ पे आपको पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली, अगर आप इसको वीडियो को होल्ड करके देखो तो आपको पूरा डिटेल्स में मिलने वाला है। देख सकते हैं, अगर इसकी हम चाबी की बात करें तो चाबी कुछ आपको ऐसे दिखने को मिलती है। ये देख सकते हैं, ये आपको दो चाबी मिलती है, उसके ऊपर होंडा का लोगो है, होंडा और उसको देखने को मिलता है। देख सकते हैं बहुत ही एकदम डिसेंट चाबी है। इसी कलर की बात करें तो कलर देख सकते हैं, ये है मैंने बताया था मैट गन पावर ब्लैक मेटालिक कलर है, और ये मिलता है आपको जो पर्ल ऑरिजिन व्हाइट मिलता है, और तीसरा कलर जो आने वाला है आपको ग्रैंड PRX रेड वाला कलर, बहुत ही काफ़ी शानदार कलर्स मिलते हैं। देख सकते हैं रेड कलर तो बहुत ही काफ़ी बढ़िया। फ्रंट का अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मिलते हैं हेडलाइट, जो डिज़ाइन देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी अलग डिज़ाइन दिखता है। यहाँ पे मिलते हैं LED हेडलाइट्स जो DRL के साथ मिलते हैं। देख सकते हैं इसकी विजिबिलिटी बहुत ही काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी देखने को मिलती है। देख सकते हैं ऐसे कुछ आपको विजिबिलिटी मिलती है। देख सकते हैं इंडिकेटर्स के लाइट भी आप देख सकते हैं येलो में आपको मिलने वाले हैं, और इंडिकेटर्स में बहुत ही काफ़ी अच्छे इंडिकेटर दिखते हैं। फ्रंट में हमें मिलता है जो मेटालिक फिनिश एंड जो ग्लॉसी फिनिश जो दिखता है, बहुत ही काफ़ी बढ़िया लुक देता है। देख सकते हैं आगे से देखो, बहुत ही काफ़ी अच्छी स्पोर्टी लुक देता है। जैसे विंडशील्ड लगाई हुई है, विंडशील्ड के साथ बहुत ही अच्छा स्पोर्टी लुक लग रहा है। इसमें हमें NX 500 एक ही वर्जन आता है, जैसे एक ही वर्जन लॉन्च हुआ है, जैसे मैंने बात की थी उनसे। देख सकते इंडिकेटर जो देख रहे हैं, इस बाइक के जो डिज़ाइन और बाइक के जो साइज है, इसके हिसाब से ये छोटे लगते हैं, लेकिन अगर जैसे ही ये जलेंगे बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं। देख सकते हैं ऐसे फ्रंट से, ये जो बाइक बनी है ऑफ रोड के लिए, स्पेशली इन रेनी वेदर सीजन के लिए बनी, जो ऑफ रोड में जाने वाले उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। फ्रंट की एलॉय व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। जो एलॉय व्हील्स है जो ब्लैक कलर में, जो डायमंड कर्स में एलॉय व्हील्स है, बहुत ही काफ़ी अच्छे डिज़ाइन दिखते हैं। अगर हम टायर की बात करें, टायर मिलता है 110 80 R19 के टायर्स मिलते हैं, जो ऑफ रोड में चलाने वाले उनके लिए बहुत ही अच्छी बाइक है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है हमें डिस्क ब्रेक, जो ब्रेक सिस्टम बहुत ही काफ़ी बढ़िया ब्रेक सिस्टम मिलने को मिलता है। जैसे फ्रंट बम्पर जो है जो मैट फिनिश में मिलता है, इसका डिज़ाइन देखोगे तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। यहाँ पे हमें मिलता है जो होंडा का जो बैजिंग और जो ग्लॉसी फिनिश में जो डिज़ाइन है, फाइबर मटेरियल है, और जो एरो शेप बहुत ही काफ़ी सेफ अच्छा लगता है जो दिखने के लिए। और अगर देखोगे तो यहाँ पे मिलता है हमें एयर पास होने के लिए, जो यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन दिया हुआ है जहाँ से हमें एयर पास होता है, जो हम जैसे हम बाइक को स्पीड से चलाते तो एयर पास हो गए तो बाइक और भी अच्छी और स्पीड और आपको अच्छा एवरेज मिलने वाला। अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन मिलता है 500 cc का, जो बहुत ही काफ़ी अच्छा इंजन दिया हुआ है, जो मैक्स 35 kV 8600 rpm के साथ। देख सकते हैं अगर देखोगे तब भी आपको इंजन बहुत ही हेवी इंजन लगता है, बहुत ही काफ़ी बढ़िया, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही आपको अच्छा ही मिलने वाला है, क्योंकि 500 cc का इंजन बोल सकते हो बहुत ही काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है इंजन का ऑयल फिल्टर जो बाहर दिया हुआ है, जहाँ जो बोलते हैं कि साइलेंसर के जो पाइप्स गए यहाँ से आपको दिखने को मिलता है साइड में। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ डिज़ाइन आपको दिखने को मिलता है। यहाँ पे मिलता है ब्रेक, और यहाँ पे मिलता है फुटरेस्ट जो है, देख सकते हैं फुटरेस्ट जो ब्लैक जो रबर के साथ। अगर देख सकते हैं यहाँ पे जो मटेरियल थे बहुत ही काफ़ी हेवी मटेरियल लगता है, जो बाइक के साथ जो भी मटेरियल उन्होंने यूज़ किया बहुत ही अच्छा हेवी लगने वाला है। देख सकते हैं ऐसे सिल्वर और बोकी जो देखते हैं फुटरेस्ट, और यहाँ पे मिलता है ब्रेक ऑयल, जहाँ पे हम ब्रेक ऑयल का जो लेवल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो डिज़ाइन दी हुई है ना बाइक को, और जो मटेरियल यूज़ किया बहुत ही काफ़ी बढ़िया मटेरियल लगता है, और जो ब्लैक एंड जो सिल्वर कलर जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते अगर हम साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर, और देख सकते यहाँ पे डिज़ाइन जो सिल्वर कलर के साथ, साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर मिलता है ड्यूअल कलर में, ब्लैक एंड सिल्वर कलर में, ऐसे कुछ देख सकते हैं। साइलेंसर भी मैंने इसको स्टार्ट नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो स्टार्ट नहीं करना है, बस उसको चेक करके देख लो। अगर हम बैक टायर्स की बात करें तो बैक टायर्स मिलते हैं बहुत ही काफ़ी अच्छे हीवी टायर्स में। देख सकते हैं यहाँ पे 160 60 R17 के टायर्स मिलते हैं, ऑफ रोड के लिए बहुत ही आपको अच्छे टायर्स दिखने को मिलने वाले, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिलने वाला है। क्योंकि अगर बीच का जो स्पेस देखोगे ना, बहुत ही काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है, जो लुक बाइक को स्पोर्टी लुक भी लाता है, और जो ऑफ रोड में जाने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आप ऑफ रोड के लिए बहुत ही अच्छा आपको ये यूज़ कर सकते हैं बाइक। देख सकते हैं बैक के टायर्स बहुत ही काफ़ी बड़े टायर्स लगते हैं, तो इसमें हमें एवरेज कम मिलने वाले 500 cc एंड इतने बड़े टायर्स। अगर देखो अगर कंपनी ने जो क्लेम किया है इसका 27.7 इसका उसका माइलेज दिया हुआ है, अब हो सकता है अगर आप चलाओगे तो मे भी कम हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी मिल सकता है। लेफ्ट साइड से भी इंजन हमें पूरा भरा हुआ लगता है, बहुत ही काफ़ी हेवी इंजन लगता है। अगर चेन की बात करेंगे तो चेन देख सकते हैं ओपन चेन है, थोड़ा सा हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि डस्ट और मिट्टी से आपको
मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं की है जो सीट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे मिलता है ब्रेक जो डिस्क ब्रेक्स है, जो आगे और पीछे हमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिलता है एनएक्स का लोगो। अगर डिज़ाइन देखोगे तो डिज़ाइन कुछ ऐसे ब्लैक और जो बोलते हैं ना कि मैट फिनिश, बहुत ही काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है रिफ्लेक्टर्स, जो रिफ्लेक्टर देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी बड़े अच्छे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिलता है होंडा का बेजिंग जो इंडिकेटर्स है। अगर यहाँ पे नंबर प्लेट लगाओगे ना नीचे, बहुत ही काफ़ी अच्छी नंबर प्लेट आपको देखने को मिलने वाली, बहुत ही बढ़िया लुक देखने को मिलने वाली। अभी हम हाइट चेक कर सकते हैं गाड़ी की हाइट, अगर 5.5 और 4 इंचेस के रहेंगे तो इनको देख सकते हैं, इनकी हाइट है जो मेरे दोस्त है इनकी हाइट है 5.4 इंचेस। देख सकते हैं इनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जो ऑफ रोड में जाओगे, तो इनके पैर ठीक से ये लगते नहीं है जो बोल सकते। अगर इसकी अगर हमारी हाइट 5.6 के प्लस रहेंगे ना तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले। देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, अगर यहाँ पे अगर ब्रेक पे पाँव रखोगे ना तो देख सकते हैं ब्रेक पे पाँव रखोगे बहुत ही काफ़ी आपको अच्छा बोलते हैं कम्फर्ट लगने वाला है, बहुत ही काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं यहाँ पे हमें सीट्स की बात करें तो सीट मिलते हैं ऐसे डिज़ाइन में, एक ही सीट मिलता है, सिंगल सीट है, यहाँ पे कोई ऐसा ड्यूअल सीट नहीं है, बहुत ही काफ़ी कंफर्ट लगने वाला, जो रियर और पिलियन सीट में जो बैठेंगे उनको भी अच्छा लगने वाला है। देख सकते हैं ऐसे कुछ देखने को मिल। अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक मिलता है 17 लीटर का। देख सकते हैं हम यहाँ पे फ्यूल टैंक में 17 लीटर तक फ्यूल भर सकते हैं, बहुत ही काफ़ी देख सकते हैं डिज़ाइन और इसका मैट फिनिश है ना, बहुत ही गाड़ी को अच्छा लुक देता है। देख सकते हैं डिस्प्ले एंड जो मिरर और जो फ्रंट में जो हैंडल जो देखने को मिल रहे हैं, जो स्विचेस हैं बहुत ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। और देख अगर हम बस हम इग्निशन ऑन करते हैं क्योंकि बाइक स्टार्ट करने के लिए उन्होंने मना किया था, और देख सकते हैं हम जैसे इग्निशन ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करने के बाद हमें कुछ ऐसा होंडा का जो डिस्प्ले देखने को मिलता है। देख सकते हैं होंडा का जो लोगो आ गया। अगर हम इसकी स्क्रीन की साइज़ की बात करें तो स्क्रीन की साइज़ है जो 5 इंचेस की। डिस्प्ले देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी अच्छा और बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें हमें iOS एंड एंड्रॉयड के लिए दोनों के लिए हमें कनेक्टिविटी मिलती है। और यहाँ पे हमें ट्रिप का ऑप्शन है जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन और ट्रिप सेटिंग्स डिस्प्ले बहुत सारे चेंजेस हम यहाँ पे से कर सकते हैं। देख सकते जैसे हम इसमें सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद हमें मिलते हैं ये ऑप्शंस जहाँ पे जो फंक्शंस, देख सकते फंक्शंस में ये ऑप्शन से डिस्प्ले में आपके ये ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जनरल में जाओगे जनरल में आपके बहुत सारे डेट एंड टाइम मिलने वाला है। सर्विसेज में जाओगे सर्विसेज में अलग अलग से ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जैसे हम फंक्शंस में जाओगे और डिस्प्ले में जाओगे, डिस्प्ले में जाने के बाद डिस्प्ले टाइप अलग अलग डिस्प्ले टाइप्स मिलने वाले, बार सर्कल एंड सिंपल। देख सकते हैं हम सर्कल लगा के देखते हैं, थोड़ी देर के बाद मैं सेटिंग करता हूँ आपको सर्कल कैसे दिखते हैं देखने को मिलता है, देखो दिखाता हूँ। देखते हैं ब्राइटनेस में जाओगे तो ब्राइटनेस हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड एटो ब्लैक एंड व्हाइट। अभी जो है एटो में है जो बैकग्राउंड, अगर हम बैकग्राउंड चेंज करके बैकग्राउंड में हमें अलग डिस्प्ले देखने को मिलता है। फेवरेट इन्फो में कुछ है नहीं जो मैंने देखा था। और देख सकते हैं हम चलते हैं ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस मिलता है ऑटो और मैनुअल, जैसे ब्राइटनेस आपको जैसे चाहिए हम एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअल। सर्कल लगाने के बाद देख सकते हैं सर्कल लगाने के बाद जो डिस्प्ले दिखता है, जो स्पीडोमीटर देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अगेन, एंड मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।